वैसे भी तुमने क्लियर कर दिया था ना, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, पहली तुम्हारी माई और दूसरा खेल, दोनों मिल गई है ना। तुम्हारी माई वैसे भी तुम्हारी कोच बन गई है, तो जाओ कोचिंग लो अपनी माई के साथ। हाँ तो जियो, दूसरों को भी जीने दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। और वैसे भी निहारिका ने तुम्हें बोल दिया ना कि अकेडमी में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, निहारिका है तुम्हारा साथ देने के लिए। तो जाओ ना, क्यों पीछे पड़ी हो हमारे, क्यों परेशान कर रही हो हमें। हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें। वैसे भी इस खोखली शादी और इस नाम के रिश्ते का यही नतीजा था, समझी। सोमर जब रोक रहे हो खुद को खाता, जब दोषी में होते हो तो एक बात बोलते, होश में आते ही उस बात से मुकर जाते। जब मुकरना ही है तो वो बात कहते क्यों, होश क्यों खोते। भाई प्लीज, आप नीचे मत करो, हम दोनों के बीच का मामला है। और वैसे भी आपको रज्जू की साइड लेनी होती है हमेशा, हमारी बात सुननी होती है, कभी नहीं सुनी आपने। तो प्लीज अब की बार पक्ष दीजिए हमें। और हाँ, हम US जा रहे हैं कल की फ्लाइट से, मतलब जा रहे हैं, और कोई रोकेगा नहीं हमें, समझ में आ रहा है। कभी करी बातें और कभी दूर जाने की इतनी जल्दी होती है तुम्हें, क्या किया है मैंने बताओ। सजा तो दे रहे पर गलती तो बता दो, या ऐसे ही बिना कसूर के छान लोगे मेरी। छोड़ो, हाय, दिस इज सेलेस्टी बैरागी, यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। सो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं अर्जुन, क्या आप बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से रजत उनको मना पाएगी जाने से। रज्जो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पहले तो यही कोशिश कर रही है कि वो पूछ ले, वजह बता दो कि क्यों दूर जा रहे हो, लेकिन अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं है। मे बी कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रज्जो को ये सब बातें पता चले, क्योंकि अगर रज्जो को पता चलेगी कि वो उसकी जान पे बनी आई है तो वो भी नहीं रोकेगी खुद को। तो इसीलिए शायद बिना बताए वो चीज़ें अवॉइड करके, गुस्सा करके घर छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल भी लग रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम अंदर से कुछ फील करते हैं किसी के लिए और बाहर से हम दिखा नहीं पाते फॉर रीजंस, तो कई बार जब उस इंसान को हम वैसे बिहेव करते हैं उसके साथ, उससे कई ज़्यादा हर्ट हम हो रहे होते हैं। तो इस वजह से खुद को कंट्रोल करना इमोशंस को और ऐसा दिखाना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो इसी वजह से इमोशनल, गुस्सा सब मिक्स होके फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जहाँ तक जैसे कि हमेशा चिराग भाई उनका सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रुक जाए, लेकिन पहली बार उनको भी अर्जुन उल्टा जवाब दे दिए, तो इस बारे में क्या बोलना चाहो, किस तरीके से वो रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? एक्चुअली अर्जुन के ऊपर बहुत कम लोगों के हाथ है जिनके लिए वो सुनता है या जिनकी सुनता है, उनमें से रज्जो है और चिराग भाई, मतलब बहुत एविडेंट है, वो बहुत मानते हैं उन्हें। तो अभी पहले ही उनको साइड कर दिया है उन्होंने ये सब करके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी रुकावट आए उनके जाने में, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि उनको जाना ही है।